Thank you. Lots of beautiful people. Women are beautiful. They make movies look beautiful. And I'm just glad that I'm part of Indian cinema. Sometimes it feels like a dream, and I'm happy that I'm an actress telling stories in Indian cinema. And it's a pleasure being here. I performed in two songs. One is Ek Do Teen and the other one is Pia Tu Ab To Aaja. So yeah. Hanji? अच्छा लगता है किसी अब जब आपको आपको अवार्ड मिलता है एप्रिसिएशन मिलती है अच्छा लगता है और इट्स अ गुड फीलिंग हाँ जी ऑफकोर्स मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मेरे ख्याल से हमारी पूरी पूरा भारत है शी इज़ ब्यूटिफुल शी इज़ स्टनिंग और जब वो डांस करती हैं तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता और जो दूसरा गाना है पिया तू अब तो आजा उनकी हेलन जी की कितनी तारीफ़ करें उतनी कम है उनकी अदाएँ और उनके जो डांस मूवमेंट्स इतने सुंदर हैं कि एक तो उन्हें कोई दोनों को कोई कॉपी नहीं कर सकता आई हैव जस्ट ट्राइड टू प्ले माय ट्रिब्यूट टू देम एंड इट्स आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू डांस ऑन देयर सॉन्ग्स हाँ जी I think a lot of them, everyone. एक का ना मैं नाम नहीं ले पाऊँगी मगर a lot of them. और अब तो I mean we're doing everything from direction to acting to camera to everything. So I mean we contribute majorly. हाँ मेरे पास पैसे नहीं है पर इट्स अ गुड फीलिंग क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप था और आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर दैट ही मैनेज टू डू इट दो तीन दिन लोगों को कुछ मुश्किल होगी मगर मुझे लगता है आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होगा हम सबको आई थिंक सुंदरता अंदर से झलकती है और जो आप अंदर फील करते हो वो बाहर निकल के आता है तो मेरे ख्याल से आप जितना अंदर खुश हैं जितना आप अंदर हैप्पी फील करते हैं उतना यू लुक ब्यूटीफुल आई थिंक ब्यूटी इज़ इनसाइड आउट
Shreya, international political changes like जो अमेरिका में हुए हैं, हाँ जी, आपको लगता है उसका इफेक्ट इंडिया पे भी होगा? और आप निकले पार्ट थी कंसर्ट या कुछ प्रोग्राम? जी, मैं एक कॉन्सर्ट की पार्ट थी जो कि कश्मीर के लिए फंड रेजर था, और उसके आगे मैं किसी चीज़ की पार्ट नहीं थी. आई फील वी हैव वो अमेरिका है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन. वी आर इन इंडिया, सो नो, आई डिडंट मीट हिम. मैं भारतीय हूँ, मैं मुझसे भारत के बारे में सवाल पूछ ले आप, आई कांट टॉक अबाउट देम. सो या, आपने पूछ लिया. शी लुक्स लाइक माई एल्डर सिस्टर, मगर आज से काफ़ी साल पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था. या, शी इज वेरी इम्पैक्टफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन आई हैव सीन इन माई लाइफ. My mother. Hello. She is the most beautiful woman in the world. Yeah, इनसे अभी नहीं, इनसे स्कूल, ये स्कूल में, मेरे स्कूल में पढ़ाती थी केमिस्ट्री, और तो मेरे सारे क्लासमेट्स इनसे का इन पर बहुत बड़ा क्रश था. और अभी भी जब मुझे बाहर मिलते हैं तो कहते हैं, अच्छा आप नीजा मैम की बेटी हैं. सो या, हाँ, मैं इनको ध्यान से इस्तेमाल के लेके जाऊँगी. थैंक यू.